तो सुहाग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरवी क्रिएशन में। तो दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा उसका मैं ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही सिंपल है गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको लाइट मोशन ओपन करने के बाद प्रेस वाला ऑप्शन पे आ जाना है। बाद में आपको सॉन्ग बीट मास्टर की फेक लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन एक्सएमएल फाइल में मिलेगा, तो आपको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना है। बाद में सॉन्ग बीट में ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे रैम का टेक्स्ट पीएनजी और टेम्पलेट, आपको यहाँ से एक छोटा टेम्पलेट ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ से एक नंबर इफेक्ट दे दिया है मैंने, और यहाँ पर बीट पर फोटो ऐड करना है। तो आपको जहाँ पर टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आने के बाद प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, आपको फ़ोटो ऐड करना है। फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, थ्रीडो पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर से आगे वाले बिट पे आ जाइए और यहाँ तक फ़ोटो को ले लीजिए। फिर से प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, दूसरे फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, थ्रीडो पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर से एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लीजिए, फिर से प्लस पे, मीडिया पे, फ़ोटो पे, थ्रीडो पे फोर स्क्रीन कर लीजिए, फिर से यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दीजिए। तो मैंने फ़ोटो ऐड किया है। इस तरह से आपको सारे बीट पे फ़ोटो ऐड कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो स्किप करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे बीट पे फ़ोटो ऐड कर दिया है। तो आपने को शेक इफेक्ट फ़ोटो में डालना है। तो उसके लिए आपको बैक आकर शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर दो फोटो का इफेक्ट मैंने दिया है। तो आपको शेक इफेक्ट पहले वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्रीडो पर क्लिक कीजिए, कॉपी पे कर लीजिए। फिर से आपको वापस आ जाना है सॉन्ग बीट मार्क पर। सॉन्ग बीट मार्क ओपन करने के बाद जो लिरिक्स के बाद में जो पहला फ़ोटो है उस पर आपको इफेक्ट नहीं डालना है। जहाँ पे ये शेक इफेक्ट एक लिखा रहेगा उस पर आपको नंबर वाइज इफेक्ट डाल देना है। तो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्री पर क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। इस तरह से आपको एक नंबर के इफेक्ट में सारे फोटो में इफेक्ट पेस्ट कर देना है। एक नंबर का होने के बाद आपको फिर से शेक इफेक्ट प्रोसेस को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद शेक इफेक्ट नंबर दूसरा और फोटो है उस पर क्लिक कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, थ्री पर क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। बाद में वापस आके सॉन्ग बीट में ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट में ओपन करने के बाद जहाँ दो नंबर का इफेक्ट बाकी था शेक इफेक्ट देना, तो वो फोटो पर क्लिक करना है। एक पर क्लिक कीजिए, थ्री पर क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपको दो नंबर का फोटो में इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो सारे फ़ोटो में इस तरह से इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आपको स्टार्टिंग वाले फ़ोटो पे आ जाना है। स्टार्टिंग वाले फ़ोटो पे आने के बाद प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, आपको एक ब्लैक शेडो पीएनजी ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको मूल ट्रांसफॉर्म में आके शेडो को नीचे स्लाइड करके एडजस्ट कर लेना है। और फिर से प्लस पर क्लिक कीजिए, मीडिया पर क्लिक कीजिए, आपको एक राउंड नंबर का टेक्स्ट पीएनजी ले लेना है। टेक्स्ट पीएनजी ऐड करने के बाद आपको मून ट्रांसफॉर्म में आके थोड़ा नीचे स्लाइड कर लेना है। स्लाइड करने के बाद लाइटिंग में जाइए, ब्लेंडिंग में, और स्क्रीन कर लीजिए। स्क्रीन करने के बाद इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको लास्ट वाला फ़ोटो पे आ जाना है और शेडो को और
टेक्स्ट पीएनजी को यहाँ तक खींच लेना है। बाद में राइट साइड पे आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर